हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट वार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हीरो की 125 सीसी बाइक जो कि अपकमिंग है, आने वाली है। ये कौन सी बाइक है, इसके स्पेक्स क्या है, आज के वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले आपको बताता हूँ इसके फोटोज लीक हुए और इस फोटोज में आपको जो बाइक मिलती है इसके अंदर जो इंजन देखने को मिलता है सुपर स्प्लेंडर या ग्लैमर एक्सटेक का देखने को मिलता है। सिल्वर कलर का है, वही डिजाइन है, वही कलर है, क्लियरली समझ में आता है ये 125 सीसी की बाइक है, हीरो की अपकमिंग 125 सीसी बाइक है और इसका नाम होने वाला है हीरो एक्सट्रीम 125R। अब यहाँ पर एक्सट्रीम 160R 4V लॉन्च हुई है जो कि बहुत अच्छी है 160 सीसी कैटेगरी में। अब 125R क्यों लॉन्च की जा रही है, यहाँ पर इसके कंपटीशन में आने हैं TVS Raider 125 और दूसरी है NS125, बजाज की है ये, बजाज पल्सर NS125 इसका फुल नेम है। ये दोनों के कंपटीशन में हीरो की एक्सट्रीम 125R आने वाली है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। दिखने में बाइक बहुत स्पोर्टी लग रही है, फ्रंट में आपको पूरा नेकेड स्पोर्ट लुक देखने को मिलता है। अपसाइड डाउन फोक एक्सपेक्ट मत करना, 125 सीसी की एडिग्री बाइक है, थोड़ी KTM है, ये हीरो की बाइक है इसलिए आपको अपसाइड डाउन फोक एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रियर में आपको ट्विन स्विंग आर्म नहीं मिलते, सिंगल मोनोशॉक आता है, बहुत अच्छी बात है, स्पोर्टी लुक्स के साथ आता है। बाइक के अंदर मोटे टायर लग रहे हैं, अगर 125 सीसी के बाइक्स के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं मोटे टायर, 120 सेक्शन का लगभग टायर देखने को मिलता है रियर में। फ्रंट में आपको बताता हूँ 80 या 90 का आएगा। अब टायर को छोड़ दो, डिस्क ब्रेक देखने मिलेंगे या फिर ड्यूअल डिस्क का ऑप्शन आएगा तो बहुत अच्छी बात होगी यहाँ पर। और ABS को भी एक्सपेक्ट मत करना, 125 सीसी की कैटेगरी में ABS देके फ्री में प्राइसिंग बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हीरो ऐसा करता भी नहीं है। और यहाँ पर बता दूँ आपको लुक्स में बाइक नो डाउट 125 सीसी की लग ही नहीं रही है, एक 150 सीसी या 160 सीसी की बाइक लग रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और स्पोर्टी लुक्स दिए हैं हीरो ने। अब ये टेस्टिंग के समय लीक हुई, अगर इसके साथ कलर वलर सबके साथ आ जाएगी तो बाइक दिखने में कैसी होगी वही सोचकर मैं परेशान हूँ क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। फ्रंट में आपको Z900 जैसा लुक या Z1000 जैसा लुक देखने को मिलता है, जो छोटी सी हेडलाइट है डोम है छोटा सा, उस हिसाब से देखेंगे तो बाइक अच्छी लग रही है। 125 सीसी कैटेगरी में NS125 आती है, TVS Raider आती है, उनके सामने ज़्यादा अच्छी लग रही है ये बाइक। बात करें इंजन की तो यहाँ पर ग्लैमर या सुपर स्प्लेंडर का इंजन होगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको लगभग पावर छोड़ो पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। 125 सीसी का एयर कूल सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस टू कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलेगा जिससे आपको पावर देखने को मिलेगी 10.74 PS की और टॉर्क देखने को मिलेगा आपको लगभग 10.9 न्यूटन मीटर का विद 5-स्पीड गियरबॉक्स। लेकिन यहाँ पर माइलेज का प्लस पॉइंट होता है, अगर ये 4 वाल्व इंजन बन के आता है, 2 वाल्व छोड़ दो, अगर ये 4 वाल्व इंजन आता है पावर फिगर्स और टॉर्क फिगर्स बदल जाएंगे। 12 PS की पावर हो सकती है इसके अंदर और टॉर्क 11 न्यूटन मीटर का देखने को मिल सकता है। और माइलेज मैं कहूँ 2 वाल्व इंजन होगा तो इसके अंदर आपको आराम से 60 का माइलेज मिल जाएगा, अगर 4 वाल्व इंजन आता है तो आपको आराम से 55 का माइलेज निकालेगी, आराम से ही मतलब मैक्सिमम कहूँगा मैं 55 से 60 का माइलेज निकाल के देगी ये बाइक। तब भी देखते हैं तो बाइक आपको अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन में NS125 देखने मिलती है जो कि माइलेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, माइलेज के लिए कहा ज़्यादा माइलेज नहीं, कम माइलेज के लिए फेमस है। बाइक के अंदर आपको 40-45 का माइलेज मिलता है, सब बहुत ज़्यादा कंप्लेन आते हैं NS125 के वीडियोस पर, तो एक के नहीं बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है किसी को 60 का माइलेज मिलता है, ऐसा कभी कमेंट नहीं आया मेरे चैनल के ऊपर। अब ये एक्सट्रीम आएगी 125 सीसी की तो आपको स्पोर्टी लुक्स माइलेज अच्छा मिलेगा। बाकी फीचर्स की बात करें तो LED हेडलाइट और LED टेल लाइट देखने को मिल सकती है इसके अंदर और साथ ही साथ आपको पता तो मोनोशॉक आता है इसके अंदर, मोनोशॉक की वजह से मोटा टायर दिखता है पीछे का, मोटे टायर है, डुअल डिस्क ब्रेक आएगा तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ यहाँ पर सस्पेंशन की बात करूँ तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोगे हैं, रियर में तो मोनोशॉक मैंने बता दिया आपको। फुल डिजिटल मीटर आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ग्लैमर में मिलते हैं तो इसमें मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, हीरो के लिए कोई बड़ी बात नहीं है फुल डिजिटल मीटर देना किसी 125 सीसी बाइक के अंदर। स्प्लेंडर के अंदर डाल दिया, ये तो स्पोर्ट्स बाइक है तो हीरो को इतना दिमाग है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, ये होंडा के जैसा नहीं है कि फुल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 15-16 साल पुरानी बाइक को अभी तक भी बेचेंगे, सेल्स कम होते जाएंगे, दूसरी बाइक आगे बढ़ेगी, दब जाएगी, दिमाग में आएगा अरे जब अपग्रेड करें तो अच्छा था, CBR फेल हो गए, R15 निकल गया आगे, ऐसा कुछ हीरो करता नहीं है, पहले करता था लेकिन अब थोड़ा बहुत दिमाग आ गया हीरो को। अब यहाँ प्राइसिंग की बात करें तो इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करूँगा, मैं ये एक शोरूम प्राइस के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, सीधा ऑन रोड प्राइस अपने पास NS125 है जो कि 1,35,000 तक ऑन रोड पड़ती है और TVS Raider भी 1,20,000 1,22,000 तक ऑन रोड पड़ती है मेरे सिटी के अंदर। एक्सट्रीम की जो प्राइस है 1,20,000 से लेकर 1,25,000 के बीच में ऑन रोड पड़ सकती है जो कि लुक्स फीचर्स सब कुछ मिलाएंगे तो उस हिसाब से
अच्छी है क्योंकि वैल्यू फॉर मनी होगी बाइक उस प्राइस पर आती है। तब अब ये बाइक जब भी लॉन्च होगी इसके बारे में सारे वीडियोस बना के दूंगा आपको। अभी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुई, इसकी टेस्टिंग के समय ये लीक हो गई, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत एक छोटा सा अपडेट देने के लिए वीडियो बनाया था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको हीरो की अपकमिंग 125cc बाइक के बारे में बताया। एक्सट्रीम नाम होने वाला है इसका, 125R होने लिए ये। तो गाइस आपको बाइक कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।